71वें गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय समारोह मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर मनाया गया। समारोह में वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सबसे पहले गांधी चौक पर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद तिरंगा झंडा लहराया। इसके उपरांत परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड और कॉलेज व स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने भाग लिया। ऐतिहासिक सेरी मंच पर उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह ठाकुर देश के रक्षकों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उसके बाद उन्होंने केंद्र व राज्य सरकारों की उपलब्धियों का व्याख्यान किया। गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाला राज्य घोषित किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2020 तक हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं और इसका श्रेय प्रदेश के सभी लोगों को जाता है, क्योंकि यह सभी की भागीदारी से सुनिश्चित हो पाया है। और अभी गत दिनों में दिल्ली में भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि 2017 से लेकर के 20 के मध्य में देश में हिमाचल प्रदेश ने सबसे अधिक प्लांटेशन के कवर को बढ़ाया है, जो आप सभी के लिए बधाई का एक संदेश है। और इस सारे काम में हिमाचल प्रदेश के हर एक बहन भाई की पार्टिसिपेशन है, जिसमें सब लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। जो हमारा पेड़ों से ढका आवरण है, ये लगभग 27.12% है। और हमने निर्णय दिया है कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक हम 2030 तक इसको 30% तक बढ़ाएंगे। ये हरियाली, ये हरे भरे जंगल, ये बर्फ से ढकी चोटियां, ये हमारी शान है। आज जहां पूरी दुनिया में पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, वह हिमाचल प्रदेश का विशेष योगदान है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।